नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज YouTube चैनल के माध्यम से हम रुद्र सूक्त का अध्ययन करते हैं, रुद्र सूक्त को पढ़ते हैं। तो वैदिक मंत्र है, तो इसको स्पष्ट रूप से पढ़ने का हम प्रयास करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। आप नित्य कर्म 266 पेज नंबर निकाल, हम पेज नंबर बता दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। 266 पेज नंबर नित्यकर्म पूजन प्रकाश, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो प्रारंभ करते हैं। ओम हरि ओम मा ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तईखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमाया गिरिसंता भिचाकशी जामी खुंगिरिसंत हस्ते बिभरख्यस्तवे सेवांगिरित्रताम कुरुमाहि गुं सीहि पुरुखं जगतो सेवेन वच सात्वा गिरिसाच्छा वदामसी जथानाः सर्वमिज्जगदयक्षमग्गुं सोमेना असतो अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकको अहिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्चातु धान्यो धराचीहि पराशुभो असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुंहेड ईमहे असौजो बशरपतिनीलग्रीवो विलोहिताः उतैनं गोपा अदृश्नन् नदृश्नन् नोदेहार्जः सदृष्टो मृडयातिनः अनमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे अथो जे अस्य सतवानु हं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयो रात्न्योर्याम्मा जाश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो वपो विजयं धनुः कपर्दिनो विसल्यो बाणवा उतो अने सन्नस्य जा इखव आभूरस्य निखङ्गदिहि जाते हेतिर्मी दुष्टम हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्माया परिभोजो तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्माया परिभोजो परिते धन्वानो हे तीरसमान् व्रणक्तु विश्वताः अथो ज इखुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम् आवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्षसते खोधे निशीर्जसल्यानां मुखा सेवो नः सुमना भवो नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उवाभ्यामुतते नमो बाहुव्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्वकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वधीहि पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो
रुद्ररी रिखा मानस्तो के तनए मान आयुखि मानो गोखु मानो असवे खुरी रिखा मानो वीरान रुद्रभामिनो मानो वीरान रुद्रभामिनो वधीरह विखमन्ताः वधीरह विखमन्ताः सदमित्वा हवामहे हरिः ओम मा। यह भगवान भोलेनाथ का रुद्र सूक्त, जिससे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, यह शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के प्रथम से लेकर 16 मंत्र यह हमने पढ़े और आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप भी श्रवण कर पुस्तक में देख देख कर पढ़ सकते हैं।